हुण वेखो महाराज कहिंदे बावन रूप किया तुद करते। मैं इत्थे दो सवाल करता, सब ही सेती है चंगा, बड़ा चंगा सारे अवतार धारदा। अच्छा तू बावन अवतार धारिया है, कादे लई धारिया है? हाथ जोड़ता है रब दा वास्ता, लभदे हो शब्द गुरु विचों इहदी व्याख्या, कादे लई धारिया? वो सब कुछ नहीं लिखिया जा सकता। एक कुजे च समुंदर पाया पातशाह ने, इहदा विस्तार साडे इतिहास चों दसम बाणियां चों लभना। हुण किते बावन अवतार मधुसूदन इतिहास पढ़ने लई असीं काशी वल जांदे सी, तो काशी वाले पंडित शर्त रख दिंदे सी पहला साडे वाला लिबास पाओ, सानू गुरु धारो। गल नहीं सी बनदी। हुण सिख किवें गुरु धार लवे? गुरु नानक नूं छड के सिख दुर्गा नूं किवें पूजे? दसो अकाल पुरख नूं छड के बंदे दे चरणां विच किदां बवे सिख? ते गुरु साहब ने इहदी व्याख्या आप हथी दसम ग्रंथ विच लिख दित्ती वी तैनूं पणतां को ना जाणा पवे, पणतां तों खहिड़ा छुड़ाया साडा, ते पता भी लग सके भी वेख परमात्मा दियां बरकतां ब्रह्मांड नूं नवां लोकां नूं जितन वालियां नूं बीबियां हथों मात पवा दिंदा। वेख उहदी कृपा, बख्शिश उहदे बिना ना किसे अगे चुक। अच्छा बावन रूप क्यों धारिया तू? नरसिंह रूप तू धारिया है, आपां नूं पता हरनाक्ष नूं बिदारन दे लई, प्रहलाद नूं तंगी दिंदा सी, पर ओह इतिहास की है लभो क्यों तंगी दिंदा सी? ओह साखियां पढ़ोगे पता लगना भी हरनाक्ष कहिंदा सी जले हरनाक्ष थले हरना, मैनू जापो कहिंदा सी नहीं अकाल नूं जपना है। ये दसम चों लभेगा? ये सवाल ने दास दे जवाब दे दिओ, और केवल गुरु ग्रंथ साहिब विचों देने ने, नहीं दे पावेगा कोई। ये लभने ने दसम विचों, और जिन्ना साखियां इतिहास नूं गुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब तो लैदा रखिया है, लोकां नूं गुमराह ना करो भी गुरु ग्रंथ साहिब दा शरीक पैदा कीता जा रहा। गुरु साडा गुरु ग्रंथ साहिब ही रहना है, पर जेड़े बाणी दे टीके ने जां परोड़ता करन वाली होर बाणी है। हुण भाई गुरदास दी बाणी नूं नहीं रुतबा असल, असीं पढ़दे नहीं। रहतनामे विच बाणी दी कथा बाणी दा कीर्तन लिखिया है, किते नहीं लिखिया भी केवल गुरु ग्रंथ साहिब दा। भाई गुरदास दी बाणी दा कीर्तन हुंदा है, भाई नंद लाल दी बाणी दा हुंदा है, दसम ग्रंथ दा भी कीर्तन हुंदा है, कथा हुंदी है। साहिबे कमाल तन तन श्री गुरु अर्जन देव आखण लगे ने ध्यान दे, मेरी नजर है कहिंदे बावन विच भी तू ही है, बावन कौन है जे तू किरपा ना करे? वरा किदां धरती चुक सकदा सी जे तू किरपा ना करे? ते उही गल कलगी धरने चंडी दी वार विच लिखी, दुर्गा विचारी कौन है भी दंतां दा वध करे जे तू किरपा ना करे? ते जे तेरी किरपा ना होवे सचे पातशाह, उड़ीक विच अदास भी इहदा किते जवाब मिलेगा। इह समझाउण लई गुरां ने हिंदू सनातन अवतारां दा जिक्र कीता है, और यही सारा जिक्र तुसीं जदों पढ़दे जे ना, बाली रोवै नाहे पतार नानक दुखिया सब संसार, उहदे च वी इहनां सारिआं अवतारां दा जिक्र आ भी सारे इंद्र तों लै के शिवजी ब्रह्मे सारे ही दुखी ने, सारे दे सारे ही दुखी ने। जिहड़ा आप दुखी है सिखा उहदे अगे साडा सिर किदां झुक जावे? साडा ते सिर झुकदा है, छाती विच नेजा वजिआ जीत सिंह दे, ते बापू कलगीधर चढ़ के अटारी उते जकारे छड्डदा, अख चों अंजू नहीं डिगदा। ये रब दे गुण ने, ना गमी दा दुख है कोई, ते ना जीत सिंह दे जमे दी खुशी है कोई, आनंद है सदा। ना मथे ते खेड़ा वध्या अजीत सिंह दे जन्म लैण ते, ते ना बाबे अजीत सिंह दी छाती विच नेजा वजण दे उते बापू दे मथे उते त्योड़ी पई है, आनंद है सदा आनंद है। असीं ते उहदे अगे झुकदे हां जिहड़ा सवा लख ना लड़ा गया है।